हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ माय डेली रूटीन ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन ठीक है तो गेट प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल uh, करते हैं अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक भी होती है एन्जाइटी भी होता है क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट है ना एंड आई हैव वेरी स्ट्रांग बिलीव कि द वन हु इज गेटिंग ए आई आर वो वन इज माई नॉट बी द बेस्ट वन इन

मैनर है ना? तो इस कारण सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक गेट प्रिपरेशन करने के लिए कितना ऑप्टिमम टाइम है स्टडी करने का इतना तो हमको पढ़ना ही चाहिए कितने घंटे कितने घंटे पढ़ने चाहिए तो बहुत ही मेन क्वेश्चन हो जाता है ठीक है तो मैं इन बहुत सारी चीजों का आ, आ, आंसर करने के लिए इस सेशन में आया हूं ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माई डेली रूटीन फॉर गेट प्रिपरेशन ठीक है मैंने दो तरीके से गेट की किए दो तरीके से मतलब दो बार गेट प्रिपरेशन की, पहली बार मेरा हंड्रेड एंड एटी सिक्स रैंक आया था सेकंड टाइम मेरा हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन रैंक आया था सिचुएशन दोनों पे बहुत डिफरेंट थी पहला बार जब मैंने गेट दिया था तो आ, थिंग वाज दैट कि तब मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था फ्रेशर में मैं मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था कॉलेज रखता था कोचिंग जाता था उसके बाद पढ़ता था और अपना क्या बोलते हैं रैंक लेके आया था मैंने कॉलेज में ही था जब मैं मतलब फर्स्ट स्टैंड में रैंक लेके आया था 186 के बराबर ठीक है सेकंड वाज वेरी डिफरेंट तब मैं आईआईटी में था है ना लास्ट में मेरा सेमेस्टर ब्रेक जैसा आया था दिसंबर वगैरह में मतलब कि एक सेमेस्टर खत्म हुआ था अगला चालू होने वाला था तो वहाँ पर जो एक डेढ़ महीने का गैप था उस गैप को वहाँ से मैंने यूटिलाइज़ किया था और उसमें प्रिपरेशन की थी तो वो शायद आपके लिए उतना काम का ना हो क्योंकि तब मैं प्रिपेयर मतलब तो एक बार मेरा रैंक आ चुका था दैट वॉज जस्ट लाइक अ रैंक इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर मी तो मेरे को बहुत सारी चीजें उस समय आती थी अभी सिचुएशन सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट था ठीक है तो मैं बात करूंगा अपने पहले अटेम्प्ट के बारे में पहले अटेम्प्ट में कैसे प्रिपेयर करता था तो मैं पहले अटेम्प्ट की बात करता हूँ अपने पास है ना तो स्टोरी क्या होती थी मेरे साथ कि भाई जो मेरा आ, मतलब दस बजे का टाइम था एन ए एम टू फोर पी ये मेरा कोई स्कोप नहीं था ठीक है यहां प्रिपेयर कर नहीं सकता था ठीक है मतलब इस पर क्या प्रिपेयर कर लेगा कोई है ना मतलब ये तो कॉलेज में हो बैठे हो फ्रेंड्स है लोग इंजॉय करें तो यहाँ पे आप प्रिपेयर नहीं कर सकते थे ठीक है अगली चीज क्या थी कि भाई मेरा जैसे कि मतलब लगभग फाइव पीएम से एट पी एम रेगुलर मैं कोचिंग में एंगेज होता था ठीक है दिस वर माई क्लासेस ठीक है यहां पे मेरी क्लासेस लगती थी ठीक है तो इसको तो बिल्कुल मैं प्रिपरेशन का पार्टी काउंट करूंगा मतलब इसको तो रिलीजियसली अटेंड करना ही है आप कहीं पे भी ज्वाइन किए हो ऑनलाइन ज्वाइन किए हो ऑफलाइन ज्वाइन किए हो हमको ज्वाइन किए हो लेकिन जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसको तो आपको पढ़ना ही है मतलब वो तो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है इस पर तो कोई भी मकारी नहीं चल पाएगी ठीक है अब बचता है इसके बाद का टाइम अब बचता है इसके बाद का टाइम है ना तो देखो यार आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है दस से अगर मैं आठ बजे के बीच में बात करता हूँ तो दस से आठ बजे के बीच में आप अपनी सेल्फ स्टडी को कोई भी टाइम नहीं दे पा रहे होंगे मतलब जीरो टाइम आ रहा होगा आपका उस समय है ना तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास कि भाई 5 बजे से आठ बजे तक के तो भाई ये देखो टेन्योर कितना लंबा है और कितना लंबा है मतलब आप दस घंटे के लिए एंगेज हो आप दस घंटे के लिए एंगेज हो और दस घंटे आप रेस्ट नहीं कर रहे हो है ना तो आपको बहुत एनर्जी नहीं आएगी साढ़े आठ बजे घर जाके है ना खाना वाना खा के जब रेडी हो गए तो एक ही चीज आएगी वो डेफिनेटली क्या है वो डेफिनेटली आएगी नींद आपको है ना और आपसे पढ़ा जाएगा नहीं आप टालते जाओगे कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा अभी तो टाइम है दो सेमेस्टर बाकी है एक साल बाकी है धीमे 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 आप पहुंच जाओगे पास में गेट का आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम कैसे करें पहला तो ये है कि आपको ना एनर्जी बहुत हाई लेके चलनी है अपनी एनर्जी आपका मेंटेन रहे।, रहे है ना क्योंकि देखो आप इतने थक के जब घर आओगे है ना तो आप हो सकता है कि भाई घर भी ना पहुंचो मेरा मेरा घर तो थोड़ा पास ही था तो मैं तो मतलब क्या बोलते हैं चलो नौ बजे तो घर पहुंच जाता था ठीक है अब नाइन पी से मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या थी मैं यहाँ पे ना कम से कम ट्राई करता था थ्री आवर्स सेल्फ स्टडी करने का थ्री आवर्स सेल्फ स्टडी करने का ठीक है मेरा ये मानना है कि सिक्स आवर स्लीप इज सफिशियंट सिक्स आवर स्लीप इज सफिशियंट ठीक है छः घंटे की जो नींद होती है छे घंटे की नींद मतलब ठीक है इतनी सफिशियंट है है ना तो मैं तीन घंटा सेल्फ स्टडी करने का ट्राई करता था नौ बजे के बाद आके तो अगर मैं नौ से बारह स्टडी कर ले रहा हूँ और छः घंटे सो जा रहा हूँ तो सुबह मैं छः बजे उठ जाऊँगा है ना मतलब मैं उठ कब उठता कब था मैं उठता था मैं लगभग छः बजे ठीक है उठता था अब मैं छः बजे ठीक है तो छः बजे उठने के बाद क्या होता था फ्रेशन अप हो जाओ अच्छा ब्रेकफास्ट कर लो खावा लो आराम से ठीक है तो मैं बोल रहा था कि कम से कम आपका यहाँ पे भी छः से दस का जो कॉरिडोर था यहाँ पे भी मैं लगभग क्या बोलते हैं अपना टू आवर्स सेल्फ स्टडी को देता था टू आवर्स में आपके पास सेल्फ स्टडी को देता था इसका मतलब क्या लगभग फाइव आवर्स डेली मैं सेल्फ स्टडी को देता था ठीक है हाँ आपकी भी बोलोगे सर ये प्लान मतलब ऐसा नहीं कि मैं डे वन पे एग्जीक्यूट कर डाला मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम वॉब्लम हुई इसको एग्जीक्यूट करने में पहले तो मैं पहले पंद्रह दिन तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाया है ना उसके बाद धीमे से एक दिन उठा दो दिन उठा तीन दिन उठा है ना फिर मैं आठ बजे उठा तो एक घंटा पढ़ लिया है ना फिर मैं सात बजे उठा तो डेढ़ दो घंटा पढ़ लिया ठीक है तो ऐसा करके मैं स्टार्ट कर दिया और एक ऐसा टाइम भी आया कि भाई सुबह मैं मतलब साढ़े छे बजे रेडी होकर एकदम सिक्स थर्टी से नाइन थर्टी तीन घंटे यहाँ पे निकाल लेता था ठीक है और मैं यहाँ पे भी निकाल लेता था है ना तो ये जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है पांच घंटे का प्लस आप जो क्लासेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या दिन में आप ना आठ घंटे एंगेज है केवल गेट की प्रिपरेशन में भाई क्लास कर रहे हो तो पढ़ रहे हो ना क्लास कर रहे हो मतलब तो आप पढ़ रहे हो ठीक है अब यहाँ पे लेयर ये आता है कि भाई इसको मैं ट्राई करता था एक टाइम के बाद दो तीन सब्जेक्ट जब मेरे खत्म हो गए है ना तो मैं ट्राई करता था कि भाई जो ये मेरा थ्री आयर्स है इसको ना मैं थ्योरी पढ़ने पर इन्वेस्ट करता था ठीक है और इसको ना मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वेस्ट करता था प्रॉब्लम सॉल्विंग में ठीक है ये मतलब बुकलेट लगा लिए क्वेश्चन लगा लिए पी वाई क्यूज लगा लिए उसमें मैं इसको इन्वेस्ट करता था तो मेरा ये लेयर भी बहुत अच्छा मेंटेन था कि भाई मैं स्टडी भी करता था और डेली प्रॉब्लम सोल्व करता था इसको आपको बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा कभी कई लोग क्या करते हैं कि केवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दैट इज ओके जब आपका सिलेबस खत्म हो गया केवल प्रॉब्लम सॉल्व करो क्या दिक्कत है है ठीक उसके बाद बीच में मैंने रिविजन भी एनकैश किया ठीक है और उसके बाद क्या मैं एक चीज को बहुत फोकस करता था वो क्या था ये कॉलेज में स्ट्रैटेजिक बंकिंग आपने टर्म शायद सुना नहीं होगा बट दिस इज स्ट्रैटेजिक बंकिंग है ना मतलब क्या कि जैसे मैं मेरे को पता है कि अटेंडेंस मेरा सेवेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए ठीक है तो पच्चीस परसेंट तो मैं छुट्टियां मार सकता हूं है ना अब जब ये पच्चीस परसेंट छुट्टियां मैंने मारी है तो इस पच्चीस परसेंट छुट्टी वाले दिन मैं अपना ये जो दस से साढ़े चार वाला टाइम होता है इस दस से साढ़े चार वाले टाइम को भी इन्वेस्ट करता था मतलब यहाँ पे भी मैं कम से कम चार से पांच इफेक्टिव घंटे निकालने की कोशिश करता था और इस बीच में आपको ये नहीं करना है कि आप भाई अब बंक कर रहे हो तो आज मैं भाई खींच के सोऊंगा आठ नौ घंटा ऐसा नहीं करना है आपको है ना आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे भी आप अपना टाइम निकालो तो स्ट्रेटेजिक बंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं वेट करता था गवर्नमेंट हॉलीडेज का मैं वेट करता था गवर्नमेंट हॉलीडेज का ठीक है होली दिवाली दशहरा ईद है ना सबका मैं वेट करता था क्योंकि भाई मेरे को एक साल त्यौहार नहीं मनाना है मैं अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं फटाके फोड़ने में अगले साल मैं गेट निकाल दूंगा भाई सबसे महंगा वाला रॉकेट मैं लेके आऊंगा है ना गेट निकालने के बाद ठीक है तो सेक्रीफाइस है एक साल जीवन भर में रॉकेट जला तो पाऊं अच्छे महंगे महंगे है ना तो उसके लिए निकालना पड़ेगा तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था दिवाली होली में बेसिक अपना काम हम किए हेलो हाय किए कोई रिलेटिव आया उसको फेक स्माइल दिए ओके थैंक यू टाटा बाय बाय ठीक तो मैं गवर्नमेंट हॉलीडेज को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया मैं वीकेंड्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज करता था वीकेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वीकेंड्स क्या होते थे तो इन सब जगह ना मैं सात से आठ घंटा निकालने का ट्राई करता था और इसको ना मैंने स्ट्रीमलाइन कर लिया था इसको मैंने कंटिन्यूस कर लिया था जिससे मेरे को बहुत बो मिला मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको लग रहा है ना एग्जीक्यूट करना टफ है ये करके लेकिन एक बार आप एग्जीक्यूट कर लोगे ना मैं बता रहा हूँ कि आप रिपीट करके देखो बीस दिन आपका ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप चेंज हो जाओगे है ना आप लिटरली चेंज हो जाओगे आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ हाँ मुझ में वो बात है अब तो इस रूटीन को फॉलो करके तो देखो ठीक है हो सकता है कि आपका मेरा रूटीन सेम ना हो लेकिन मैं क्या मतलब आपका मेरा कंडीशन सेम ना हो सकता है आप कॉलेज का टाइमिंग आपका डिफरेंट हो सकता है आपको एक घंटा ट्रैवल करना पड़ता हो कॉलेज जाने में कट करो ट्रैवल टाइम को कट करो पॉसिबल है कॉलेज के पास रहो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो पढ़ते पढ़ते जाओ कुछ आपको करना पड़ेगा मतलब इफेक्टिव आपको पाँच घंटे एक वर्किंग डे निकालने हैं वर्किंग डे में आपको इफेक्टिव पाँच घंटे निकालने हैं तभी जाके आपसे गेट निकल पाएगा तो एक जस्ट ब्रीफ में आपको ओवरव्यू दिया है ना इन सारी चीज़ों को आप करो स्ट्रैटेजिक बंकिंग करो है ना एनर्जी अपनी हाई रखो अच्छा खाना खाओ अच्छे लोगों से मिलो पॉजिटिव लोगों से मिलो है ना कॉलेज में खुद को ड्रेन आउट मत कर लो है ना कॉलेज में अगर आप गए हो गेट प्रिपेयर कर रहे हो आपका अल्टीमेट टारगेट गेट ही तो आप कॉलेज में खुद को ड्रेन आउट मत कर लो ये नहीं कि वह चलो भाई आज कॉलेज में अपन बैठे हैं है ना तो क्रिकेट मैच हो जाए एक आज करके है ना अच्छा चलो अब दौड़ के आते तो हैं अपन मतलब ऐसा नहीं कि खुद की एनर्जी को ड्रेन कर लेना है तो आपको कॉलेज में एनर्जी सेव भी करना है है ना मस्त आराम से बैठे रहो प्रोफेसर तो कुछ बोल रहे हैं हाँ सर ओके सर कोई शोर शराबा मतलब समझ रहे हो ना एनर्जी ड्रेन आउट करने वाले काम मत करना कॉलेज में ये नहीं कि शाम मतलब मेरा टारगेट होता है भाई आठ बजे जब मैं घर जाऊँ तो मैं मतलब नींद ना है मेरे को है ना तो ऐसा नहीं कि भाई खेल लिए कूद लिए कुछ कर लिए एक आध दिन किसी दिन फेस्ट वेस्ट है कोई इवेंट चलता है, है ना चीट डेज आर ऑलवेज अलाउड है ना बट चीट डेज आपको बताओ कि आप डिजर्व कर रहे हो क्या ये चीट डे है ना अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने उस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज दे दिया तो बिल्कुल उस दिन आराम से घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं मैं भी ब्रेक लेता था बीच बीच में बट मेरा ब्रेक ऐसा नहीं कि मैं डिसाइड किया कि भाई अब आज ब्रेक लूंगा तो मैं कब डिसाइड करता ब्रेक लूंगा सब्जेक्ट हो गया रिवाइज कर लिया शॉर्ट नोट बना लिया बुकलेट बना लिया एक टेस्ट दे दिया टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हाँ भाई लेट मी लेटमीट डे उस दिन कुछ नहीं खींच के सो फेवरेट खाना खाओ दबा के खाओ इतना खाओ कि फिर से जनी आ जाए ठीक है और घूमो जिससे मिलने लगा मैंने उससे मिल लो जिसको मैसेज करना है उसको मैसेज कर दो अब अच्छी ट्रीट दो्फ बट ये नहीं कि आज खुद को ट्रीट किया भाई आज तो मजा आ गया तो ये हफ्ते भर में खुद को ट्रीट कर रहा हूं नहीं एक दिन में बैक टू पवेलियन फिर पढ़ाई चालू ठीक है रिजल्ट तक के इसको अपने को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा तभी जाके आपका काम बनेगा तभी जाके आप क्या बोलते हैं कर पाओगे चीजों को ओके थैंक यू सो मच है ना तो कुछ भी आपको लगे अगर जानना है और तो आप कमेंट कर सकते हैं है ना आपको मैं पर्सनलाइज्ड हेल्प कर दूंगा कि हाँ भाई आपका रूटीन ये तो वी कैन डू दिस और वी कैन डू दैट माई पॉइंट है ना तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच